से। मेरा नाम सच्चिदानंद भारती है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ और वहाँ पर हम पिछले 35 सालों से पानी का काम कर रहे थे, वर्षा जल के संरक्षण का। पहाड़ों में वर्षा जल के संरक्षण की एक बहुत पुरानी परंपरा चाल खाल रही है, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे ख़त्म सी हो गई थी। फिर उसी चाल खाल को हमने थोड़ा नए तरीके से जोड़ करके जलतलया नाम से एक नई विधि अपनाई और उसमें ये बहुत ही सरल, सस्ती और टिकाऊ होने से बहुत लोकप्रिय हुई। वहाँ पर क्या हो रहा था उत्तराखंड में कि बड़ी तेज़ी से जलों पानी के स्रोत सूख रहे थे, जिससे हमारी नदियाँ भी घट रही थी या सूख रही थी और जंगलों में आग की बड़ी समस्या थी। जब से ये जलतलया हमने उफरैंखाल और उसके आसपास के इलाकों में बनाई तो वहाँ के जंगल आग से सुरक्षित हुए और पानी के स्रोत बढ़े हैं। मन की बात में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो ये इसने उस इलाके में तो बड़ी ऊर्जा दी, लेकिन पूरे उत्तराखंड की सरकार में भी एक लहर सी पैदा करी और उत्तराखंड सरकार ने ये जलतलया बनाने के कार्यक्रम को मनरेगा में स्वीकृति देकर पूरे प्रदेश में फैलाने का। सर, ये होता है एक एग्जांपल लेके उस एग्जांपल से किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन लाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने काम किया। साथियों, देश के नेतृत्व में जब ये भावना होती है, आप बताओ कोविड का समय था, कितनी डिफ़िकल्ट पीरियड था, जब पीएम साहब ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चाहे उत्तराखंड में एक किसी भी साधारण से छोटे गांव में माँ जिसके दो बेटे कहीं पे काम करने के लिए गए हुए हों और हो सकता है उनकी खबर नहीं ले पाए, लेकिन उनका, उसी माँ का दिल्ली में एक बेटा नरेंद्र मोदी ऐसा बैठा है जिसने उस माँ को कभी भूखे नहीं रहने दिया, ऐसी भावना होती है नेतृत्व की। बहुत धन्यवाद।